अभिनव कोहली के बारे में तो सभी जानते हैं आज, क्योंकि अभिनव कोहली आज छोटे पर्दे का ऐसा चेहरा बन चुका है जो कि हर किसी की नजर में आलोचनाओं से घिरा हुआ है। जी हाँ, बात हो रही है उस अभिनव कोहली की जिसने टीवी टाउन की फेमस अभिनेत्री श्वेता से शादी की। उस श्वेता से जो तलाकशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी, दोनों की जिम्मेदारी उठाने वाला अभिनव अब हर किसी की नजरों में है। क्या वाकई में अभिनव है बेगुनाह या फिर है गुनहगार? श्वेता और उसकी बेटी के साथ क्या दुर्व्यवहार अभिनव ने किया? इस पर हाल ही में अभिनव की मां ने बयान दिया। जी हाँ, अभिनव की मां ने स्टेटमेंट के जरिए श्वेता और अभिनव के रिश्ते का सच बताया है। श्वेता अपने पति की इज्जत की धज्जिया उड़ाकर किस तरह से तलाक लेने के लिए इस हद तक गिर गई है, यही बताने की कोशिश करती नजर आई वो माँ, जो कि अपना दिल रोने से नहीं रोक पाई बेटे के हथकड़ियां पहनने के बाद। जी हाँ, वे माँ बेटी तिवारी और पलक तिवारी के बारे में आज सब जान गए हैं कि दोनों ही काफी ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं निजी जिंदगी में। ऐसे में अभिनव की माँ ने कहा कि उनके बीच 2 साल से सही नहीं चल रहा था, सब कुछ ठीक करने की अभिनव कोशिश कर रहा था, लेकिन श्वेता अपने बेटे रियांश के साथ रहना चाहती थी, बेटी और बेटे के साथ तलाक लेना चाहती थी अभिनव से। बहुत कुछ होने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अभिनव पलक का बहुत ख्याल रखता था, जो पलक को लेकर अभिनव पर इल्जाम लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। राजा चौधरी की बेटी पलक को अभिनव ने अपनी बेटी का हमेशा दर्जा दिया, उनके एडमिशन से लेकर पढ़ाई से लेकर पेरेंट्स मीटिंग तक सब तरह से उसका साथ दिया। बिग बॉस में जब श्वेता तिवारी थी तब उसकी बेटी का ख्याल अभिनव ही रखता था। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति रिपोर्ट।